बरकात हो। यहाँ पर मुगल कॉलोनी के बाजू जो मैदानपल्ली रेलवे गेट है वहां पर एक चांदी नाम के जो पटरी क्रॉस कर रहे थे तो अचानक ट्रेन आ गई तो उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका इंतकाल भी हो गया। अभी यहाँ पर रेलवे पुलिस भी यहाँ पर आ चुकी है और मैदानपल्ली पुलिस वाले भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये सारे हादसे अब तक कम से कम 10 से 20 के बीच में हुए यहाँ पर हादसे। तो यहाँ पर ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बनने का काम ये 2 2.5 साल से हो रहा है। तो इससे पहले भी हम लोग जो है ना यहाँ पर धरने धरना कर रहे थे, ट्रेन से रोके थे, तब जाके ये ब्रिज का काम स्टार्ट हुआ है। फिर आज भी ब्रिज का काम ऐसा पेंडिंग कर रहे हैं लोग, जो कॉन्ट्रैक्टर्स की बात है, यहाँ से कांग्रेस पार्टी वाले हम लोग या दूसरे एमएलए हम लोग तो अपनी कोशिश अपन कर रहे हैं जितना जल्दी हो सका पब्लिक का जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है इनकी वजह से कई सारे जान जा रही है। फिर भी इंशाल्लाह मैं बोल के जो है ना रेवंत रेड्डी साहब से भी बोल के उनका पहुंचाऊंगा, यहाँ का रेलवे गेट का जो भी यहाँ पर मसला है मसाइल है मैं रेवंत रेड्डी साहब तक पहुंचाऊंगा। और ये इंशाल्लाह आपकी बार ये हादसे नहीं हुए सरकार देखेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम भी। यहाँ पर भी अगर कोई भी अगर हमदर्द इंसान है तो वो लोग जो है ना अपने जो सोसाइटी है, सोसाइटी या जो भी ग्रुप्स है यहाँ पर जितने की भी जो एमआईएम के लीडर हो, कांग्रेस के लीडर हो, टीआरएस हो, एमआईएम, ये पूरे मिलकर एक साथ होकर जो है ना यहाँ पर एक वॉचमैन को लगाइए, उसको सैलरी दीजिए। अगर गवर्नमेंट से अगर मैदानपल्ली पुलिस वाले अगर सैलरी पुलिस वाले अगर नहीं ठहरे या रेलवे वाले यहाँ पर नहीं ठहरा करें तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर एक वॉचमैन को लगाए। उसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर दूसरे भी कोई भी अगर आना चाह रहे हैं मेरे साथ मिलकर अगर वॉचमैन को लगाना चाह रहे हैं तो आ सकते हैं, मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं मोहम्मद कादर, कांग्रेस लीडर। मैदानपल्ली रेलवे गेट के पास एक खातून जिसका नाम चांदबी है, वो रेलवे ट्रैक क्रैश कर रहे थे, ट्रेन ट्रेन से उनका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने से उनकी मौत हो गई। ये तकरीबन 4 बजे हुआ ये वाकया। तकरीबन अभी तक ये जो ब्रिज का काम चल रहा इससे 25 तो भी अब तक मौत हो गई है एक्सीडेंट से। ब्रिज का काम कब कंप्लीट होता नहीं मालूम। अभी तो स्टेट गवर्नमेंट का काम चल रहा मगर रेलवे गेट वाले क्या बोलते, तो रेलवे वाले जो है वो काम बहुत स्लो कर रहे हैं, उनकी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट भी स्लो कर रही है। वो इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। जो भी जिम्मेदार है, एमएलए साहब हों दो या एमपी साहब हों दो, जो भी जिम्मेदार है यहाँ पर उसके ऊपर तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। ब्रिज से बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पर, यहाँ की आवाम को जाने के लिए, स्कूल के बच्चे भी बहुत तकलीफ हो रही है। और बार बार हम भी मीडिया में आके बोलने से हमारे बहुत तकलीफ हो रही है कि एक ही बात को बार बार बोलना पड़ रहा, ये ब्रिज आखिर कम्प्लीट हो रहा नहीं मालूम। अभी रमजान भी आने वाला है, फरवरी तक इनकी डेडलाइन है, अब क्या करते नहीं मालूम है लोग। डेडलाइन तो दिए, कितने दिनों का काम स्टार्ट हो गया, ब्रिज बंद हो गया? ब्रिज का काम 3 साल से चालू है। कितने दिन में बनाते बोलिए बंद कर रहे थे? 3 साल 6 महीने का टाइम लिए थे जी, 6 महीने का टाइम लिए, काम बंद हो रहा, स्लो हो रहा, बंद हो रहा, मगर अब चल रहा। अब इसको भी क्या है, ये रेलवे वालों की तरफ से रेलवे वाले कुछ काम स्लो कर रहे हैं। एमएलसी साहब आए थे तो उनको बोले थे कि 20 अक्टूबर में काम कंप्लीट करेंगे रेलवे वाले, मगर 20 नवंबर आ रहा अभी तक का काम कंप्लीट नहीं है। कितने दिन का काम है बोल के बता रहे हो? अभी जब बात करें उसे 10 दिन का काम है हमारा, बोल रहे रेलवे वाले 10 दिन का काम है, 10 दिन का काम है। वो 10 दिन कब खत्म हो जाए नहीं मालूम। आप लोगों से मीडिया वाले से भी गुजारिश है इसको ब्रिज के लिए आप जहाँ तक बात पहुँचा रहे हैं एमएलए प्रकाश गोड़ है, कारपोरेटर रेलवे ट्रैक के उधर बीजेपी के तोकला श्रीनिवास रेड्डी बोल गए हैं। अब इस तरफ तो थे बोले एमएलए, पहले पहले आए थे, इससे पहले आए थे।